हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में हिंदी के टॉप 35 रचनाएं एवं रचनाकार के बारे में। ओके, देखिए ये परीक्षा में इतनी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसमें ये एक या दो नंबर के ज़रूर आते हैं। चाहे जो एग्ज़ाम हो, आप पेपर उठा के देख सकते हो। तो दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और UPSI इत्यादि एग्ज़ाम्स के लिए आज मैं आप लोगों को हिंदी के टॉप 35 रचनाओं को बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट है आप लोगों के लिए, आप टेस्ट देंगे, उसके बाद जो PDF है वो आपको टेलीग्राम लिंक पे सेंड कर दी जाएगी। ओके दोस्तों, या आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आपको अब ये PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहला है कि साहित्य लहरी। साहित्य लहरी ये किसकी कृति या रचना है? तो दोस्तों, सबसे यहाँ पर है कि रचनाएँ, ये रचनाएँ का पार्ट है और ये है उनके रचनाकार, रचनाकार। ओके, देखिए साहित्य लहरी ये किसकी रचना है दोस्तों? सूरदास। सूरदास के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। देखिए साथ ही साथ ये समझ लेते हैं सूरदास का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, सूरदास जी का जन्म जो है ये विद्वानों में मतभेद है, लेकिन फिर भी एक जो डेट दिया गया विद्वानों के द्वारा वो है क्या, 1478 ईस्वी। ओके, 1478 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है और इनकी मृत्यु दोस्तों 1585 ईस्वी को मानी गई है ना। ये SCERT बुक से है, ठीक है, SCERT से। तो दोस्तों, इनकी जो रचना क्या है, साहित्य लहरी, और इनकी जो फेमस रचनाएं हैं वो क्या क्या हैं, जैसे सूर सरावली, ये सब इनकी दोस्तों फेमस रचनाएं हैं ETC। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगली रचना है दोस्तों क्या, मधुमालती। मधुमालती ये किसकी रचना है दोस्तों? मंजन की रचना है क्या, मधुमालती। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला जो है दोस्तों रचना, वो क्या है, मृगावती। मृगावती किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? कुतुबन के द्वारा रचित है मृगावती। अगला है दोस्तों मदनाष्टक। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? रहीमदास। दोस्तों, रहीमदास जी का जो पूरा नाम है वो अब्दुल रहीम खान खाना है। ओके, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे कौन? रहीमदास जी। ओके, इनका बचपन का नाम, इनका पहले का क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना, या इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनकी जो अन्य रचनाएं दोस्तों वो क्या है, रास पंचाध्यायी। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत फेमस है ये रास पंचाध्यायी। ओके, ये बहुत फेमस रचना है इनकी, कभी कभी ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। और खेल कौतुकम बरवे नाई का भेद भी इनकी रचना है। आगे देखते हैं हम लोग अगली रचना है दोस्तों प्रेम वाटिका। ये है किसकी? रसखान जी के द्वारा रचित जो रचना है वो है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के साथ साथ इन्होंने लिखा है दोस्तों सुजान रसखान, ये इनकी अगली रचना है। और एक और रचना इनकी है दोस्तों फेमस, वो क्या है, रसखान शतक। दोस्तों, जो ये रसखान जी हैं, इनका जो नाम है वो पूरा नाम, वास्तविक नाम इनका क्या है, सैयद इब्राहिम पठान। ओके, ये इनका क्या है, वास्तविक नाम है रसखान जी का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगली जो रचना है दोस्तों वो है क्या, प्रेम फुलवारी। क्वेश्चन पूछता है प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? तो प्रेम फुलवारी है दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1885 ईस्वी में दोस्तों इनकी मृत्यु भी हो गई थी, इनका देहावसान हो गया था। बहुत कम ही उम्र में इनका देहांत हो गया था। ओके, इनके और जो फेमस रचनाएँ हैं दोस्तों वो क्या हैं, भक्तमाल प्रेम सरोवर, दशरथ विलाप, ये इनकी दोस्तों फेमस रचनाएं हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग।
अगला है दोस्तों पार्वती मंगल। पार्वती मंगल ये किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी के बारे में हम सभी को पता है, तो तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचना है क्या? पार्वती मंगल। देखिए तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, ये जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1532 ईस्वी में, और इनका देहांत हुआ था कब? 1623 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों इनका? जन्म हुआ था राजापुर में, है ना, राजापुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, फेमस रचनाएं, वो क्या क्या हैं? जैसे पार्वती मंगल तो हो गया दोस्तों, उसके बाद विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, और रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामलला नहछु हो गया दोस्तों, रामचरितमानस हो गया, जानकी मंगल इत्यादि इनकी दोस्तों फेमस रचनाएं हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है दोस्तों विनय पत्रिका। विनय पत्रिका भी किसकी है दोस्तों? तुलसीदास की है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। आगे हंस जवाहिर, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हंस जवाहिर किसकी रचना है? तो हंस जवाहिर है कासिम शाह की रचना है, हंस जवाहिर। ओके आगे देखते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों पद्मावत। पद्मावत के बारे में आप सभी ने सुना होगा, पद्मावत अभी हाल ही में मूवी भी आई थी। तो पद्मावत के जो रचनाकार है दोस्तों वो कौन है? जायसी जी हैं, है ना, जायसी। पद्मावत के अलावा इन्होंने लिखा है क्या कि अखरावत इतरावत, मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिएगा, अखरावत इतरावत, ये दोस्तों इनकी फेमस रचना है। और आखिरी कलाम, आखिरी कलाम ये बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस था ये, वेरी फेमस है ये दोस्तों, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो आखिरी कलाम रचना है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगली जो रचना है दोस्तों वो है पौंचरियू। पौंचरियू इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पेपर में। पौंचरियू रचना है किसकी? स्वयंभू की। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों क्या? दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा। सरहपा की रचना है दोहा कोश। और सरहपा को दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है, किसको? सरहपा को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्या है हमारा, जगनिक। जगनिक ने किसकी रचना की है दोस्तों? परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक है। और परमाल रासो को दोस्तों आलखंड भी कहा जाता है, आलखंड। ओके पिछली बार पूछा गया था पेपर में, आज से दो साल पहले यूपीटेट में, आलखंड किसकी रचना है? तो आलखंड है जगनी की। चलिए अगला है क्या? नरसी जी का मायरा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नरसी जी का मायरा ये किसकी रचना है दोस्तों? मीराबाई। मीराबाई की रचना है क्या? नरसी जी का मायरा। और क्या क्या है दोस्तों इनकी रचनाएं, जो मीराबाई की रचनाएं हैं दोस्तों वो क्या है? जैसे गीत गोविंद कीतिका, अगली रचना इनकी क्या है? गीत गोविंद कीतिका, गीत गोविंद कीतिका, और राग गोविंद, राग गोविंद, ये सब दोस्तों इनकी फेमस रचनाएं हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला है विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो विष्णुप्रिया के रचनाकार है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। ओके 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1964 में। जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों इनका? झांसी में हुआ था, झांसी यूपी में इनका जन्म हुआ था। ओके इनकी जो अन्य रचनाएं हैं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की, वो क्या है? देखिए जयद्रथ वध, इनकी जो फेमस रचना है दोस्तों, बस वही मैं बता रहा हूँ, जयद्रथ वध फेमस रचना इनकी है। उसके बाद भारत भारती, भारत भारती, और सबसे फेमस जो है दोस्तों वो क्या है? साकेत। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि साकेत के रचनाकार या रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त को। यशोधरा, ये भी इनकी फेमस रचना है दोस्तों, इत्यादि। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगली रचना है दोस्तों नसीहतनामा। नसीहतनामा के रचनाकार हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी किस क्या लिखे हैं नसीहतनामा को। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक को लिखे हैं कौन? भूषण। अगला इश्कलता। इश्कलता के रचनाकार कौन है दोस्तों? घना नंद है।
अगली रचना है भरत मिलाप। भरत मिलाप के रचनाकार कौन है? ईश्वर दास। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जयदेव। जयदेव ने क्या लिखा है दोस्तों? जयदेव रचनाकार है, इन्होंने लिखा है गीत गोविंद को। क्लियर, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव है। नागलीला, नागलीला को किसने लिखा है दोस्तों? सूरदास। सूरदास जी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। इनका जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था ये इसमें मैं देख लेता, हम लोग देख लेते हैं। इनका दोस्तों रुनकता, रुनकता में इनका जन्म हुआ था। रुनकता कहाँ है? मथुरा में। और कुछ लोग सीही, कुछ विद्वान जो हैं सीही भी इनका जन्म स्थान मानते हैं, तो इसमें विभेद है। ओके, विभेद है तो क्लियर नहीं है, तो आप जो दोनों में से अगर कोई ऑप्शन मान लीजिए आता भी है तो आप दोनों अगर रहेगा, दोनों तो नहीं रहेगा, कोई एक रहेगा तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। चलिए छंदमाला, ये रचना दोस्तों किसकी है? केशव दास जी ने इसको रचित किया है। आगे धूप और धुआं, धूप और धुआं ये किसकी रचना दोस्तों? बेहद इंपॉर्टेंट है ये रचना, ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है। और रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं दोस्तों वो क्या है? रेणुका, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रश्मिरथी, ये सब दोस्तों इनकी फेमस रचनाएं हैं। और दोस्तों संस्कृत के चार अध्याय, संस्कृति के चार अध्याय भी इनकी क्या है? फेमस रचना है, तो इसको आप लोग जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग यामा। यामा किसकी रचना है दोस्तों? आप सभी जानते हैं महादेवी वर्मा जी की ये रचना है यामा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला देखते हैं हम लोग आवारा मसीहा। आवारा मसीहा इसके रचनाकार हैं दोस्तों विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर को लेकर के दोस्तों कभी कभी कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों को। पंचतंत्र, पंचतंत्र को दोस्तों विष्णु शर्मा ने लिखा है, विष्णु शर्मा ने। तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज मत हुआ करिए, विष्णु प्रभाकर विष्णु शर्मा दोनों अलग हैं, उन्होंने पंचतंत्र लिखा, उनका आवारा मसीहा है। आगे देखिए दोस्तों धर्मवीर भारती जी हैं, धर्मवीर भारती जी की रचना क्या है? कन प्रिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला है क्या? ना आने वाला कल। ना आने वाला कल दोस्तों ये रचना है मोहन राकेश जी की, मोहन राकेश जी की। अगली रचना क्या है? अशोक के फूल। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं अशोक के फूल। उसके बाद बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी इनकी रचना है, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगली रचना इनकी क्या है दोस्तों? कुटज, कुटज। और एक रचना इनकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की फेमस रचनाएं हैं। अगली रचना है दोस्तों आंसू, आंसू ये दोस्तों किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। आंसू की जो, आंसू जो रचना है यह जयशंकर प्रसाद जी का है। इनका जन्म देख लेते हैं, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1937 ईस्वी में। क्लियर, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं दोस्तों वो है क्या? लहर झरना, लहर झरना, आंसू हम लोग पढ़ लिए हैं, कामायनी, कामायनी, ये इनकी फेमस रचना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों इनकी कुछ नाटक भी हैं जो फेमस थे काफ़ी। जो नाटक थे वो कौन कौन से थे फेमस? स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ये दोस्तों इनकी फेमस नाटक थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगली रचना है दोस्तों कर्मभूमि। कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद हैं कर्मभूमि के रचनाकार। इनका जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1936 में, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। दोस्तों देखिए इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो क्या क्या हैं हम सभी को पता है, पढ़े भी होंगे हम लोग पिछली कक्षाओं में बचपन में, मतलब सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान, ये सब इनकी फेमस रचनाएं हैं। आगे देखिए दोस्तों धरती, धरती के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन जी। अगला है सतपुड़ा के जंगल,
सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। आगे दोस्तों चिंतामणि, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यूपी टेट के एग्ज़ाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 या 12 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पर आंखें भरी नहीं ये किसकी रचना है दोस्तों? ये है शिवमंगल सिंह सुमन। पर आंखें भरी नहीं, ये रचना किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन जी की। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रचनाएं थी उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब दोस्तों हम लोग अभ्यास प्रश्न को करेंगे। ओके, अभ्यास प्रश्न को दोस्तों अब हम लोग करेंगे। तो इसमें 7 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसका आप टेस्ट देंगे। देखिए सबसे पहला क्या है, मदनाष्टक। मदनाष्टक किसकी कृति है? तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा मदनाष्टक कृति है दोस्तों रहीम दास जी की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में हंस जवाहिर कृति किस साहित्यकार की है? दोस्तों जो प्रश्न बनेंगे ऐसे प्रश्न बनेंगे, मॉडल उनका ऐसे ही रहने वाला है। तो हंस जवाहिर रचना किसकी है दोस्तों? अभी हम लोगों ने पढ़ा कासिम शाह की। आगे कर्मभूमि नामक रचना संबंधित है, तो कर्मभूमि और रंगभूमि ये सब किसकी रचना थी? ये सब थी दोस्तों प्रेमचंद जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मंझन द्वारा रचित कृति है दोस्तों, मंझन द्वारा रचित कृति क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, मधुमालती मंझन द्वारा रचित कृति है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह क्या है? तो निबंध संग्रह क्या है दोस्तों? चिंतामणि, ये निबंध संग्रह है। चलिए आगे देखते हैं, बीजक। बीजक किसकी रचना है? तो दोस्तों बीजक है, सभी को पता होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए थे, कबीरदास जी की। कबीरदास जी की बीजक रचना है। बीजक में देखिए, बीजक में क्या क्या है आप इनका? साखी, सबद और रमैनी। दोस्तों ये जो कबीरदास जी हैं इनके एक शिष्य थे, उनका नाम था धर्मरास। धर्मरास ये इनके शिष्य थे। जो भी कबीरदास जी के बाणियों का संकलन ये करते, जो मतलब कि जो कबीरदास जी थे कुछ बोलते थे तो वो उनका एक संकलन करते चले हो जाते थे, उनकी वाणियों का, जो भी उनके वक्तव्य थे, बोल थे, विचार थे, तो धर्मराज जी उनका एक संकलन करते चले जा रहे थे और उसी को साखी सबद रमैनी में, रमैनी को इन्होंने एक बीजक का रूप दिया जिसको बीजक रचना बोला जाता है इनका। तो ये क्या है? एक संकलन है इनकी वाणियों का, कबीरदास जी का। अगली रचना क्या है? प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर रचना है दोस्तों लल्लू लाल जी की। लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे 7 क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, गबन नामक रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद या महादेवी वर्मा? इसमें से जो आंसर सही होगा उस आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, और दोस्तों वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ओके, शेयर आप कर देंगे, और अभी तक अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।